जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आप चैनल पे। मैं हूं बाबूराम दास और मेरे साथ हैं आज अवनीश भाई, प्रारब्ध वाले। अवनीश भाई, राम राम। बहुत बहुत नमस्कार बाबा जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। अवनीश भाई, कुछ पिक्चर क्लियर हुई यूपी की? यूपी में आप लोग बैठे हैं, यूपी को बड़ा तीखी पैनी निगाह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपको तो बहन जी के साथ काम करने का अनुभव है। बहन जी सोच क्या रही हैं, जरा डिकोड कीजिए बहन जी को। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि अवनीश जी ने बहन जी की एकदम कोर टीम में काम किया है और ठीक ठाक काम किया है। अवनीश जी जरा बताइए क्या है, कैसे आप बहन जी के पास नहीं, पहुंच कैसे गए? ठीक है। देखिए, सूचना और जनसंपर्क में काम करते हुए आप जो है ऐसी जगहों पर पहुंच ही जाते हैं। तो मैं बेसिकली एक संस्कृति कर्मी हूं, और करते करते बहन जी के पास भी पहुंचने का अवसर मिला। और बहन जी के सेकेंड टर्म में जब वो चीफ मिनिस्टर हुई, तो उस दौरान जो है वो कुछ काम करने का मौका मिला। बहन जी की कार्यशैली, एक चीज बताएं आपको, प्रशासनिक आधार पर अगर देखा जाए, शासन चलाना, तो जिसको कहते हैं ना सत्ता खनक, वो मायावती जी की विशेषता रही है। दूसरा, अब आते हैं मायावती जी के राजनीतिक शैली में। बहुत सारे लोग इस बात से जरा नाइत्तेफाकी रखेंगे, मैं जो अब कहने जा रहा हूं वो मुझे याद दिलाएंगे कि फलाने 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 इनको मारो जूते चार, है ना, और तमाम ऐसे नारे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब कोई पार्टी, काशीराम जी जब पंजाब से भाग कर, और मैं कह दे रहा हूं पंजाब से उनको भगाया गया, बहुजन की राजनीति कायदे से अगर इस देश में कहीं शुरू होनी चाहिए थी तो सबसे ज्यादा दलित आबादी रखने वाले पंजाब से शुरू होनी चाहिए थी, काशीराम जी वहीं से आते थे। लेकिन पंजाब में उनकी राजनीति चली नहीं, और उत्तर प्रदेश में वो आया। उत्तर प्रदेश में जब मायावती के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की, तो जिन वंचितों शोषितों की बात वो करना चाहते थे, उसके लिए इस तरह के नारे, उस दौर की राजनीति में मैं ये मानता हूं कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही थी। क्योंकि यो वही नारे, उनके सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मेट जब चेंज हुआ सतीश मिश्रा जी के आने वाने के बाद, तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्या वो नारा आया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा, तो वो जूते मारो चार से यहां तक का सफर हुआ। बहरहाल, पिछला 10 साल, 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी आए, उसके बाद से मैं दर्शकों को एक भी मायावती का कथन, उनका स्टेटमेंट, कोई एक ट्वीट, कोई एक बयान ऐसा दिखा दें या याद करें जब उन्होंने राष्ट्रीय भावना के अगेंस्ट कोई बात कही है। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देख रहा कोई दर्शक पिछले 10 सालों में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, पार्टी का भी मैं कहूंगा ऑफिशियल पार्टी बीएसपी का कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो नेशन यानी राष्ट्र के खिलाफ गया हो। पुलवामा हुआ, क्या हुआ, बालाकोट हुआ, तमाम हुआ, सेना पर कितने सवाल उठाए गए, लेकिन मायावती जी ने कभी राष्ट्र विरोधी किसी गतिविधि में भाग तो छोड़ दीजिए, कभी मुंह तक नहीं खोला। तो ये उनका चरित्र राजनीतिक पिछले 10 साल में दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब वो शासन में रही साहब, तो एक भी उदाहरण ऐसा दिखा दीजिए जहां वो मुस्लिम वोटों और मतों के तुष्टिकरण के लिए कभी बिछना तो छोड़ दीजिए, हल्का सा गर्दन भी नीचे किया हो उन्होंने समझौते के रूप में, तो वो दिखा दीजिए। बहुत बड़ी बात। लेकिन और एक उस चीज, सॉरी, एंटी हिंदू स्टैंड भी मैंने उनको कभी लेते नहीं देखा। कभी नहीं। और मैंने जब आपसे कहा कि वो राष्ट्रवादी राजनीति के अगेंस्ट कभी बात नहीं करती, तो ये भारतीय जनता पार्टी का लक कहिए, उसका फॉर्च्यून कहिए, और विपक्ष की दरिद्रता कहिए, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की, कि अगर आज भारत में आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो राष्ट्रवाद में हिंदू अपने आप समा जाता है, सनातन अपने आप समा जाता है, वो पर्यायवाची बना दिया गया। और अगर आप राष्ट्रवादी राजनीति की बात कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पर्यायवाची हो जाता है। ये तमगा भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने दिया है तो इस देश के दरिद्र विपक्ष ने दिया।
कि जब आप सिर्फ कह दीजिए कि हम एक राष्ट्रवादी हैं, तो आप अगला छूटते ही कहेगा आप भाजपा के वोटर हैं, स्वभाव से संघी हैं। तो ये इस देश के विपक्ष की दरिद्रता है, जिसने खुद को राष्ट्रवाद के अगेंस्ट रख लिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि मायावती जी ने कभी मुस्लिम मतों का तुष्टिकरण नहीं किया, एक भी ऐसा कार्यक्रम जो उन्होंने चलाया हो तो बता दीजिए शासन में रहते हुए। हाँ, टिकट वो जबरदस्त तरीके से देती हैं। आप कोई विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, 2014 का लोकसभा याद कर लीजिए, 2019 की लोकसभा याद कर लीजिए, जब मायावती जी ने टिकट दी है। और अब उत्तर प्रदेश में जब केवल 25 सीटें ऐसी रह गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घोषित करनी है यहाँ प्रत्याशी, और संभवतः जब तक आपका ये वीडियो देख रहे होंगे दर्शक, तो आज दोपहर तक या दोपहर के बाद किसी भी समय वो लिस्ट आ जाएगी। इस बार की लिस्ट भी आप जरा देखिए, समाजवादी पार्टी से आगे रही है पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को टिकट देने में। मुस्लिम को वो टिकट देती है लेकिन तुष्टिकरण नहीं करती मायावती, ये उनकी अपनी राजनीतिक शैली है। इसलिए वो कभी भी सनातन के विरुद्ध कोई बात नहीं करते हुए दिखाई देती है। एक भी स्टेटमेंट कोई मुझे बता देना, कृत्य तो छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट तक बता दीजिए। स्टेटमेंट तो कोई भी नेता आजकल बोल के निकल जाता है साहब, लेकिन मायावती जी का ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। अब आते हैं, इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन वाले लहजे में जरा बात कर लें। बहुत आरोप मायावती जी पर लग रहे हैं, लगाए जाते रहे हैं पिछले 10 सालों में लगातार, कि ये भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें मजबूत करती हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी गठबंधन से दूर रहती हैं। ये कोई नया स्वभाव थोड़ी ना है मायावती जी का। एक अकेला 2019 का प्रयोग छोड़कर और कोई प्रयोग जब इन्होंने प्री पोल अलायंस करके लड़ा, हमेशा पोस्ट पोल अलायंस इन्होंने किया है। और जिस फेज ऑफ पॉलिटिक्स में मायावती जी जा चुकी हैं, वो रिटायर नहीं, मैं आज भी आपको बताऊं, बेहद सक्रिय। उनके यहाँ जिला अध्यक्ष और ये सबका कॉन्सेप्ट बड़ा कम है, उनके यहाँ कोऑर्डिनेटर एक बड़ी मजबूत पोस्ट होती है संगठन। और मायावती जी अब उत्तराधिकार सौंपने के चरण में है अपने निजी राजनीतिक जीवन में, अपने भतीजों को वो दे रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है, जिस बात को लेके अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई सूरत के व्यापारी बड़ा धनाढ्य लड़का, उसकी यहाँ ट्रेनिंग जो है कराई गई, उसको 5-6 हजार रुपए की नौकरी, वो बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वो प्रॉपर शूटेड है, बहरहाल जो भी है बड़ा सकारात्मक वीडियो है। आनंद की ग्रूमिंग, पॉलिटिकल ग्रूमिंग मायावती बिल्कुल उसी शैली में कर रही है। उन्होंने केवल आनंद को, अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके मैदान में छोड़ दिया है। बनर्जी की तरह अपने भतीजे के हर कर्म कुकर्म में शामिल नहीं, नेचुरल छोड़ दिया है कि नए जनरेशन का बहुजन नेता है, ये जैसे चाहे वैसे पार्टी को शेप दे, और खुद नेपथ्य में है। राजनीतिक रूप से सक्रियता अभी भी मायावती की बनी हुई है। इसलिए अभी तक घोषित 20-22 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उसमें आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए हैं। लोकतंत्र है, यहाँ लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीदवार नहीं बनाती, मायावती जी ने ज्यादा उम्मीदवार बना दिया। तो अब आप कहेंगे कि साहब मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। आप ये बताइए कि पिछले तमाम चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मायावती जी की पार्टी ने अपना वोट शेयर खोया? उनका वोट शेयर तो इंटैक्ट है। हाँ, जो उनके वोट शेयर के बाद जो टॉपअप आता था, वो टॉपअप मिसिंग है। तो 2014 के बाद तो ये टॉप सबके साथ मिसिंग है। बिहार में आरजेडी के साथ ये टॉपअप मिसिंग है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ वो बहुजन वाला और उसके साथ ओबीसी वाला टॉपअप मिसिंग है, कांग्रेस का तो टॉपअप छोड़िए, उनका तो बेस ही मिसिंग है। तो 2014 के बाद जो एक हिंदू एकीकरण की राजनीति हुई है, जिसमें चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे महा पिछड़ा हो, इन सबको एक साथ सनातन के सूत्र में बांध कर जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति है, उससे सबको नुकसान हुआ है, उतना ही नुकसान मायावती को हुआ है। लेकिन मायावती जी का वोट बेस कहीं कम नहीं हुआ है। उनका वोटर अभी भी विधानसभा का चुनाव आता है, झारखंड उनको वोट देता है, लोकसभा में भी आप देख लीजिए,
अखिलेश के साथ उन्होंने बिल्कुल असंभव लगने वाला जो एक अलायंस किया, उसमें फायदा किसको हुआ? मायावती जी को फायदा हुआ। मायावती जी को क्यों फायदा हुआ? इसलिए नहीं फायदा हुआ कि अखिलेश जी का पूरा वोट आके मायावती जी पर शिफ्ट हो गया, बिल्कुल नहीं शिफ्ट हुआ। उसके सामाजिक कारण है। अखिलेश जी के पास जो यादव बहुल उनका मतदाता है, वही एक्चुअल में आज के पिछले 2-3 दशकों से एक्चुअल ग्राउंड पर शोषण करता है इन दलितों का। गॉन द डेज की समण करते थे ब्राह्मण ठाकुर के ऊपर, ठाकुर का कुआं दिस दैट, वो एरा खत्म हो गया सर। एक्चुअल अगर इनको सबसे ज्यादा कोई दलितों को परेशान करता है जमीन पर, तो वो मुलायम सिंह यादव का वोटर करता है। यही वजह है कि वो वोट देने नहीं आया। हाँ, मुस्लिम्स का वोट जरूर मायावती जी के पास गया, उसका एक स्वाभाविक कारण है, मायावती जी के प्रति प्रेम नहीं मुस्लिमों का। मुस्लिमों का सिर्फ एक ध्येय होता है कि जो बीजेपी को हराए हम उसको वोट देंगे। तो चूंकि इन दोनों का पैक्ट था, तो जहां पर हाथी इनको सामने दिखाई दिया, उनको यही लगा कि ये हाथी और अखिलेश दोनों मिलके बीजेपी को हराने वाले हैं, हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोट शिफ्ट हुए, यादव वोट शिफ्ट नहीं हुए। और इसी अनुभव के बाद मायावती जी ने वो निर्णय लिया कि अब हम अखिलेश से अलग हो जाएंगे। कारण ये कि अखिलेश के साथ राजनीति करके अगर उनका टापअप केवल मुसलमानों के साथ होना है, तो एक बार फिर अगर तुष्टिकरण के मूड में रहती तो अखिलेश के साथ वो अपना संबंध आगे भी बढ़ा के रखती। लेकिन मायावती जी यही विशेष शख्सियत हो जाती है भारतीय राजनीति में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जातिगत और सांप्रदायिक राजनीति में, कि वो कभी तुष्टिकरण के रास्ते पर नहीं जाती। हाँ, स्ट्रेटेजिकल वो चुनाव मैनेजमेंट करती हैं, तो इसलिए वो मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दे रही हैं, उनको कैंडिडेट मिल रहा है। कांग्रेस को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, को तो कैंडिडेट मिल रहा है, पैसा दे के लोग बसपा का सिंबल लेते हैं। जी नहीं, मुझे बताइए आज की जो परिस्थिति है, आज सपा बसपा, सपा माने इंडिया अलायंस और इधर बसपा, बसपा अच्छी खासी संख्या में मुसलमानों को टिकट दे रही है। अब मुसलमान के सामने दो विकल्प हो गए। इंडिया अलायंस का अगर मान लीजिए कोई हिंदू कैंडिडेट है उनकी सीट पे और मायावती ने मुसलमान दिया है, इंडी ने हिंदू दिया है, बाकी भाजपा आई है, मुसलमान किसको प्रेफर करेगा? इंडिया अलायंस के हिंदू कैंडिडेट पे चढ़ेगा या बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट पे? आप बंटवारा बताइए। होगा, बंटवारा होगा, एक तरफा नहीं होगा। ज्यादातर मुस्लिम सपा वाले गठबंधन के साथ जाएगा, ज्यादातर। ये 60-40 भी हो सकता है, ये 70-30 भी हो सकता है, ये 80-20 भी मान लीजिए। अगर तो भी अगर 20% मुसलमान ऐसी सीटों पर चला गया बीएसपी के पास, 30% चला गया, 40% चला गया, तो फिर एक तीन कोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और नहीं, तीन मैं कोड़ी एक 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 2019 का एक अनुभव हमें और भी तो मिला है। तो जब आप कह रहे हैं 60-40, एक मिनट, 60-40, 80-20, 70-30, नहीं तो मैं ये कहता हूं नो, ऐसा नहीं होगा। ये बंटवारा तीन जगह होगा। पहला होगा कि 40 सपा में जाएगा, 20 बसपा में जाएगा और 40 अपने घर पे चटनी भात खा के सूत रहेगा, बोला हम जेबा नहीं करूंगा, किसको वोट देने जाऊं। 19 में ये हुआ था ना, मुसलमान नहीं निकला। क्या इस बार भी वो संभावना आप देख रहे हैं कि यदि मुस्लिम बहुल सीट पे सपा कांग्रेस गठबंधन ने हिंदू वोटर दिया और आप कह रहे हैं कि फिर भी उसको वहीं जाना है, बसपा ने मुसलमान दिया तो वोट देने नहीं जाना है, घर पे सोते रहना है, वो स्ट्रेटजी इस बार भी देखने को मिल सकती है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने 2019 के जिस अपने हम लोगों के अनुभव, आप भी थे, आजमगढ़ की सीट थी, वोटिंग के दिन हम लोग आजमगढ़ के तमाम पोलिंग बूथ पर घूम रहे थे। यहाँ जरा एक करेक्शन करूंगा, मैंने बाद में जब अध्ययन किया तो हम लोगों को जो लगा कि मुस्लिम वोटर वाकई घर बैठा था 2019 में, जब मैं डेटाज देखा, मैंने बाद में एक दिन ऐसे मैंने वेरीफाई किया इसको,
क्या हम लोगों ने जो देखा, हम लोगों ने जो देखा वो भी गलत नहीं था। उदासीनता दिखाई दे रही थी, बूथ खाली थे, भाई शिवली वाला बूथ ही खाली था। वो बाद में 24% वोट है निकला उस पे, पोल ही वो ट्वेंटी सब फोर ठीक परसेंट है, हुआ था बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं, तो लेकिन बाबा होता, अमूमन 60-62% होना चाहिए ना, सत्तर बिल्कुल परसेंट मैं क्यों होना चाहिए, 24% पोल हुआ था। ठीक है मैंने इसीलिए इस डेटा को जरा वेरीफाई किया कि ये सिर्फ आजमगढ़ का माहौल था या उसके अलावा भी माहौल था। आप अगर अब भी डेटा उठा के चेक कर लीजिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पैन उत्तर प्रदेश, चलिए मैं पैन इंडिया की बात नहीं कर रहा, पैन यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम मतदाता चुपचाप घर में बैठा हुआ। ये चौंकाएगी। जो हम लोगों ने आजमगढ़ में हकीकत देखी, दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा खासा, जो आप कह रहे हैं कि 40% बैठ जाएगा घर, नहीं हुआ। ये उसका एक वजह है, मुस्लिम मतदाता कभी भी अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहता है स्वभावगत। ये उसके मूल स्वभाव में है। उसकी एक वजह आपको बताऊं, मान लीजिए कोई 10 सरकारी योजनाएं घोषित हुई और एक योजना का लाभ उठाने के लिए अगर 10 कागज की जरूरत है ना, और एक हफ्ते का समय है वो फॉर्म भर के जमा करने का, मैं आपको बताऊं मुस्लिम आबादी 10 कागज की जरूरत की जगह 15 कागज रखेगी। उसके पास होते हैं, फॉर्म भरने का काम एक दिन में पूरा होगा और अगर 7 दिन का वक्त है तो तीसरे दिन तक उसका फॉर्म जमा हो जाएगा। वहीं हिंदू फैमिलीज में क्या है, बहुत सारी फैमिली का आधार कार्ड ही नहीं मिलेगा, बाकी तो छोड़ दीजिए। इसलिए वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में जितने तत्पर रहते हैं, पोलिंग बूथ तक जाने में भी उतने ही तत्पर रहते हैं। कारण यह है कि उनको हर फ्राइडे की मस्जिदों में ये बताया जाता है कि नंबर मैटर्स, हम हैं, ये उनके हर चीज में दिखता है, उनके स्वभाव में दिखता है, उनके पहनावे में दिखता है। बिना मतलब टोपी, बिना मतलब काली टेंटें, वो अपने नंबर्स बताते हैं मस्जिद में, खाली जगह देखने के बाद भी सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। यही उनका वोटिंग में भी दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, वो दरअसल रमजान, वो उसके रमजान का महीना चल रहा था उस समय, और हम लोगों ने जिस फेज में गए तो उस पर्टिकुलर बूथ पर या आजमगढ़ की सीट पर कोई नाराजगी रही होगी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीट पर वो स्थिति नहीं पाई गई। जब आपने डेटा देखा, मैं वो डेटा आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ा मिथक था हम लोगों के बीच में कि वो चुपचाप घर बैठेगा। तो मेरा मानना है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा घर नहीं बैठेगा, वो बाहर निकलेगा। हाँ, अब वो बंटवारा कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊं, अखिलेश से उसकी नाराजगी है, लेकिन अखिलेश के साथ कांग्रेस का जो मिलन है उससे उसकी नाराजगी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति उसका एक रुझान है। अब बात आ जाती है कि जहां पर बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है वहां वो बटेगा। अब वो बंटवारा 80-20 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम मान लीजिए, सबसे गया गुजरा बंटवारा भी मान लीजिए 20% का बंटवारा ही पर्याप्त है, क्योंकि 3 कोड़ियों मुकाबला हो जाएगा और 3 कोड़ियों मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कम से कम मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अगर ये आरोप लगाना कोई चाहे मायावती जी पे तो वो लगा सकता है, लेकिन ये आरोप कि वो भाजपा की मददगार साबित होंगी, ये इसलिए गलत है कि ऐसी राजनीति करना मायावती जी के स्वभाव में है, यही उनका मूल चरित्र है उनकी राजनीति। वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाती, किसी का नुकसान नहीं करती, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, और इसी वजह से एक सीधी रेखा पे वो चल रही हैं। इसीलिए उनका जो बेस वोट है उसको डिगा पाने में मोदी जी थोड़े बहुत कामयाब हो पाते हैं। दलितों का वोट जो है आज भी उनका ऐसा नहीं है, आप देख लिए ना तो वहां पर क्या हुआ था, ये तेलंगाना में बीआरएस का पूरा बेस वोट ही शिफ्ट हो गया ना सर, मायावती जी के साथ ही नहीं। मैं वही कह रहा था कि मायावती जी की ये मूल राजनीतिक उनका चरित्र है, वो केवल अपना फायदा देखती हैं, वो किसी का नुकसान करने नहीं निकलती। और यही बात मैंने जो शुरू में कहा कि मायावती जी की राजनीति करने की शैली नेगेटिव शैली नहीं है, वो पॉजिटिव शैली की राजनीति करती है। और
वो ये सब चीजें नहीं देखती। अगर जाति वाली राजनीति करती हैं तो केवल अपने वंचित वर्ग वाली राजनीति करती हैं, उसके अलावा उनके लिए सब आउटसाइडर हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है सवर्ण हो, चाहे वो किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो। इसीलिए उनकी आदत में यह शुमार है कि वो ज्यादातर पोस्ट पोल अलायंस प्रेफर करती है। जी अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए जरा, आइए जरा आज की जो स्थिति है यूपी में उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। भाजपा रालोद और सुभाषपा, ये हो गया तो एनडीए, और उधर कांग्रेस सपा और बसपा, सीधे सीधे त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है। अब मेरे पास कुछ डाटा है और मैं गिनी चुनी दो ही चार सीट डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। सर, जब सपा बसपा मिल के लड़े हैं तो संभल, जो कि शायद यूपी की सबसे ज्यादा मुसलमानों वाली सीट है, जब सपा बसपा मिल के लड़े हैं तो शफीकुर रहमान बर्क साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे और 130 30 फुट की 72 हूरें अता फरमाए, उनको सर 6,58,000 वोट मिला है। और परमेश्वर लाल सैनी को 4,83,000 मिला है, 2.25 लाख वोट से भाजपा हार गई संभल। पर वही भाजपा जब सपा बसपा अलग लड़ी हैं 2014 में, तो भाजपा को 3,60,000 वोट मिला, उनके पीछे रहे बर्क साहब उनको 3,55,000 मिला, और 2,52,000 बसपा ले गई, 2.5 लाख वोट काट ली। और संभल जैसी सीट, जो कि एक सपा की श्योर शॉर्ट सीट होती है, वो भी सपा हार गई जब बसपा अलग लड़ी। सर, इसी इसी तरह पर रुक एक जाइए जरा, शहर, हाँ इसी पर रुक जाइए, इसी पर रुक जाइए। हाँ पर्याप्त है, एक चावल जी पर्याप्त है सर। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ये बंटवारा होगा, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है। मैंने ये भी कहा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर 80-20 का बंटवारा गया, यानी कि 80% वोट एनडीए अलायंस को मिला, कांग्रेस और सपा को, और 20% केवल मायावती जी को मिला, तो 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, जो संभल का एक अकेला दिखाई दे रहा है आपको, अगर 20% भी उधर चला गया, तो ये क्वेश्चन आ गया ना 2014 वाला, संभल की एक सीट पे। वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस में तो मैं उसी की बात कर रहा था। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए बहन जी ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और 2019 में अचानक नरेंद्र मोदी की पार्टी से उनकी दुश्मनी हो गई कि जाके उन्होंने सपा के साथ पैक्ट कर लिया। दरअसल हुआ क्या कि 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, उनको जब झटका लगा, इंक्लूडिंग कांग्रेस, तो उनको लगा कि भाई आगे की राजनीति के लिए कोई रास्ता देखना चाहिए ना। तो बहन जी का ये कोई प्रयोग था कि ये भी करके देख लो भाई, 5 साल बिना किसी सांसद के कोई पार्टी बहुत ज्यादा नहीं रह सकती, अगर वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है या है। तो इसलिए बहन जी ने वो एक प्रयोग करके देखा, प्रयोग करके देखा उन्होंने, तो उनको एक नंबर ऑफ सांसद मिल तो गए, लेकिन जमीन पर जब उन्होंने ये पाया कि यादव वोट ज्यादातर हमारे पास नहीं आए सपा के, मुस्लिम हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा ठीक है अगर यही होना है तो हम अलग से रिझा लेंगे। और चूंकि उनको एक टाइम भी चाहिए आनंद को डेवलप करने के लिए, तो इसलिए वो लोकसभा चुनाव को अईवाई ले रही हैं, और इस बार अईवाई नहीं ले रही हैं, 2014 वाले स्टेज में, फेज में वापस चली गई है। बस इतना ही परिवर्तन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वर्स्ट केस में 80-20 का भी बंटवारा हो गया ना, मायावती जी ने जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, और हर जगह दिए हैं, हर ऐसी सीट पे दिए हैं जहां पे इस तरह का स्कोप है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हेल्प करने के लिए नहीं, ये उनके चरित्र में नहीं है, वो किसी की मदद नहीं करती। आप याद कीजिए ना, मुलायम सिंह के साथ सरकार बनाया, घंटा उनकी हेल्प भी उन्होंने, कल्याण सिंह के साथ क्या किया उन्होंने, कल्याण जी की बारी आई पलट गई। ये उनके मूल राजनीतिक चरित्र में है, वो सिर्फ एक
चीज का भला चाहती हैं, वो अपनी जो बेस वोटर है उसको एड्रेस करती हैं, इसीलिए उनका बेस वोटर उनके पास है। तो इस बार भी वो केवल उसी प्रयोग को आगे कैरी ऑन करना चाहती हैं जो 2014 में उन्होंने किया था। यहां पर वो भाजपा को मदद नहीं बल्कि वो अपनी राजनीति कर रही। अब इसमें नेचुरली अगर भाजपा की मदद हो जाए तो फिर इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी जब ट्रायंगलर कोई मैच होता है चुनाव का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बेस्ट परफॉर्मर रही है, तो इस चीज को आप कैसे बदल पाएंगे? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, माया बहन जी का जो बेस वोट है, जाटव वोट या दलित वोट, वो अभी भी कितना उनके साथ इंटैक्ट है? 2014 से जितना मोदी जी तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो टूट रहा है। उतनी तेजी से नहीं टूट रहा है जितनी तेजी से और लोगों के बेस वोट टूट रहे हैं, चाहे वो जेडीयू के टूटे हों, चाहे वो आरजेडी के टूटे हों, चाहे सपा के टूटे हों, चाहे वो आरएलडी के टूटे हों, चाहे उधर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सबका बेस वोट टूटा है ना। लेकिन मायावती जी के साथ भी वही हो रहा है। 2014 से जिस तरीके से हिंदू एकीकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग भी दे रही है, पार्टिसिपेशन भी दे रही है, मंत्री भी बना रही है, विधायक भी बना रही है, एमएलए भी बना रही है, सब कर रही है, एमपी भी बना रही है। तो जो स्पीड 2014 से क्षरण का है, वही क्षरण अभी भी स्पीड से जारी रहेगा। अब ये नरेंद्र मोदी की राजनीति की सफलता देखी जाएगी कि 10 साल के सोशल इंजीनियरिंग नई भाजपा की जो राजनीति है, हिंदू एकीकरण की राजनीति है, उसमें कितना टॉपअप खींच लेते हैं नरेंद्र मोदी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, अचानक जीरो नहीं होने जा रही है। नगीना सीट पे अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर रावण को डिच कर दिया, उनको तो नगीना नहीं दिया और वो बहुत नाराज हैं। वो तो आग बबूला होके फिचकुर फेंक रहे हैं, बोले कि अरे इसको कोई कौन हमारा कौन समर्थक, सपा कुत्त काले कुत्ते को वोट दे देना पर सपा को वोट नहीं देना है, ये बहुत बहुत बड़ा गलत किया। इंटरेस्टिंग, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अच्छा नाम ले लिया आपने नगीना का। रावण गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से विधायकी लड़ा था, याद है? यस और वहां पर बहन जी ने, बसपा ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया था। सपा, बसपा और उसके बीच में रावण। रावण को जानते हैं, 7,100 वोट मिले, जमानत जब्त हुई थी उसकी। हारे हुए घोड़े पर कौन क्यों दाम लगाएगा कोई? दरअसल रावण की राजनीति जो है ना, वो बेलगाम राजनीति। रावण चंद्रशेखर ये नहीं समझ पा रहा कि दरअसल उसको मायावती जी के स्पेस को भरना है। उसने शुरू में ये प्रयास किया कि बहुजन के अकेले ठेकेदार हम हैं, अंबेडकर हमारे हैं, काशीराम भी हमारे हैं, उसका वो नीला रंग, उसका वो सब। वो उसने ये सोचा कि मायावती अब चुक रही हैं, उनके ब्लैंक स्पेस को मैं अगर भर दूं तो नौजवान हूं और नीला रंग लेके मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मायावती जी उसकी बड़ी अम्मा है, आनंद आ गया राजनीति में। और बसपा के कार्डर ने, उसके मूल वोटर ने चंद्रशेखर को एक पैसे का भाव नहीं दिया। तो जो अपने साथ कुछ लेके ना आए, मान लीजिए किसी सांसदीय सीट पर, नगीना की आप मान लीजिए, वहां पर अगर आप चंद्रशेखर को टिकट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी दे रही है, उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। और उसके पास अपना कोई संगठन तो है नहीं। वो जैसे होता ना कि किसी रूट पर, टैक्सी वाली रूट पर कुछ डग्गामार वाहन नहीं चलते, जो ठीक टैक्सी स्टैंड के आगे या पीछे गाड़ी लगा लेते हैं। ऑटो वाले भी ऐसा करते हैं, वो नंबर से नहीं जाते, वो आगे पीछे लगा देते हैं, दो चार सवारी लेके भाग जाते हैं। राजनीति यही है चंद्रशेखर की, बहुजन वाली। तो इस चक्कर में क्या होता है, कभी खाली उस ऑटो को जाना पड़ता है स्टेशन तक, कभी दो ही सवारी मिलती है, कभी ये भी होता है कि आगे भर जाती है। लेकिन भरने वाली नौबत चंद्रशेखर की राजनीति के साथ इसलिए नहीं है, जिस बहुजन की वो राजनीति करता है, कि अब जो बेस वोट ऐसे हैं जो मायावती जी से हट सकते हैं, वो अगर हटते हैं, हट रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं। वो फिर बीच में और किसी ऑटो टेम्पो में नहीं बैठ रहे, इसलिए चंद्रशेखर की जेब खाली है। तो अखिलेश क्यों देंगे, हारे हुए घोड़े पर क्यों दांव लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो राजनीति में वो एक तरह से एल्विश यादव था, अचानक उछला, चमका,
कुछ ये वो तेवर दिखाए, और उसके बाद अब वो उसका औकातीकरण हो चुका है राजनीति में, और बहुत जल्दी लोग चंद्रशेखर को भूलना शुरू कर देंगे अगर उसने कन्हैया कुमार जैसा कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया। जैसे कन्हैया कुमार ने देखा कि कांग्रेस का जो है वो वामपंथीकरण हो रहा है, तो वहां घुस गया और उसने अपनी इंडिविजुअल जगह तो बना ली है। इसके साथ दिक्कत इस बात की है कि ये जाए तो जाए कहां, चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति। एक ही आसरा है, वो मैं भविष्य देख रहा हूं, अगर चंद्रशेखर कहीं गया तो वो एकमात्र पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। कब आएगा ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बसपा के दरवाजे उसके लिए कभी खुलेंगे नहीं। वो लाभ और गिव एंड टेक का व्यक्ति है, उसको अगर किसी के यहां धरना दिलाना है, आप 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में भेज दीजिए, वो कल से धरना शुरू कर देगा नीला पटका लगा के। अखिलेश के साथ उनकी उसकी नहीं निभेगी। जब वह सब तरफ से थक जाएगा तो अंततः अगर उसको कहीं से शरण मिलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिलेगी, इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है और इस योजना के साथ कर रही है कि कुछ भी हो, किसी भी रंग के हो, आओ, एजेंडा हमारा होगा, ये काम की लिस्ट हमारी होगी, नीति हमारी होगी, झंडा हमारा उठाओ, तो तुम कुछ भी हो हमारे लिए दूर के नहीं हो। ये आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में यही कर रही है। तो इसलिए चंद्रशेखर हरा हुआ घोड़ा है, उस पर अखिलेश ने अगर दांव नहीं लगाया है तो बहुत अच्छा किया। गांधी परिवार के दोनों चश्मो चिराग जो है अमेठी रायबरेली से भाग गए, सर नहीं चक्कर लड़ क्या है रहे। कि एक बड़ा आपको बताऊं गलतफहमी है लोगों में, इन भाई बहन में गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ इन दोनों ने एक दूसरे को भगाया है। प्रियंका बिल्कुल नहीं चाहती कि राहुल इतने साल से फेल है, अब वो चाहती है कि इसका टीसी जारी हो जाए। राहुल प्रियंका के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो मरते दम तक लोग गलत कहते हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, उसका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बाय डिफॉल्ट पॉलिटिशियन हो चाहे ना हो, लेकिन वो कोई डिफॉल्टर पॉलिटिशियन हमेशा बना रहेगा। तो जो हिमाचल में हुआ वो हिमाचल का पूरा मामला राहुल और प्रियंका के आपसी झगड़े का नतीजा है। बिल्कुल, कोई इसमें कोई शक नहीं है। रायबरेली सोनिया जो छोड़ के भागी हैं वो इन दोनों के कुफ्त के चलते भागी हैं, और सोनिया की अब इन दोनों के बीच में नहीं चल रही है। और एक आपको मैं बताऊं, अनुभव, बहुत अनुभव आपके पास भी है सर, आप जानते हैं अगर मेरा और आपका निजी रिश्ता ठीक ना हो, हम मान लीजिए हम दोनों एकदम बड़े भाई छोटे भाई हैं, सगे भाई, अगर घर भी लोगों का रिश्ता सही नहीं है, तो जब किसी मोहल्ले में या पटीदारी में या रिश्तेदारी में जब कोई शादी ब्याह होता है ना, वहां पर अगर ज्वाइंटली हम लोग जाते हैं तो आप और हम कुछ ज्यादा ही चूमा चाटी और प्रेम दिखाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि वो जो आपके अंदर रहता है ना कि यार बड़ी वाली बुआ जी के परिवार को, फलाने वाले चाचा को, फलाने शर्मा जी को, फलाने वर्मा जी को पता ना हो कि हम लोगों के बीच में मामला कंफर्टेबल नहीं, तो आप और हम कुछ ज्यादा ही, अरे 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 रवनीश मेरे पास ही बैठो ना, मैं भी कहूँ अरे बाबा जी पहले आप खाइए ना, बड़े भाई हैं। तो ये जो पब्लिक प्लेसेस पे चुम्मा चाटी चल रही है राहुल की, और जिसमें साफ दिखाई देता है कि प्रियंका अनकंफर्टेबल रहती है, तो ये बताता है कि बंद कमरे में बहुत ज्यादा ही रिश्ते खराब, और कांग्रेस किसी दूसरे से परेशान नहीं है उत्तर प्रदेश में। यहां से जो कांग्रेस का पलायन हुआ है, खुद को उत्तर प्रदेश मुक्त किया है कांग्रेस ने, वो उनके आपसी झगड़े की वजह से हुआ है। कायदे से रायबरेली या अमेठी की किसी एक सीट से गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ना चाहिए था। चक्कर क्या है सर, उस चक्कर में यूपी का चुनाव बड़ा बेमजा हो गया है, नमक ही कम हो गया है इस चुनाव, और बहुत से भाजपा के रणनीतिकार जो गंभीर लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा ही सुस्त पड़ जाए। अच्छा, आखिरी प्रश्न, बस 40 मिनट में इस चर्चा को कंक्लूड कर दीजिएगा। कितनी सीट, 80 में कितना?
78 से आधी सीट भी कम नहीं, बुरी से बुरी हालत में। दो सीट कौन सी दे दे रहे हैं आप लोग? ऐसे ही रख दे रहे हैं, गिना नहीं पाऊंगा। आजमगढ़ क्या पोजीशन है जो पिछली बार थी, अगर अखिलेश लड़े तो? नहीं, गुड्डू जमाली तो नहीं लड़ रहा, उसको तो एमएलसी बना दिए अखिलेश भैया, तो बसपा से कौन आएगा? बसपा से कौन आएगा? मैंने इसीलिए कहा ना, पिछली बार वाली स्थिति होगी अगर अखिलेश वहां से लड़े, क्योंकि अभी तक अखिलेश ने जो दूसरी छह की लिस्ट आई उसमें भी अखिलेश का नाम नहीं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, धर्मेंद्र यादव अभी तक घोषित होने के बाद भी आजमगढ़ नहीं पहुंचे। नहीं, आज आज एक खबर है कि शायद धर्मेंद्र यादव का टिकट वहां तक कट रहा है, अखिलेश ही आ रहे हैं। अभी तक घोषित नहीं है और ये सब कुछ रुका हुआ है, जरा बीजेपी की भी लिस्ट आ जाए, क्योंकि बाकी जगह ऐसा नहीं है कि वो ये देख रहे हैं। बीजेपी ने तो ऑलरेडी आजमगढ़ में कर दिया है, तो आजमगढ़ इसीलिए मैं दो निकाल कर रखा हूं कि अगर आजमगढ़ में अखिलेश लड़ जाएंगे तो पिछली बार से जो स्थिति थी, जिस तरीके से उन्होंने अच्छी फाइट दिया था निरहुआ ने, नो डाउट, लेकिन अखिलेश यादव आज की डेट में आजमगढ़ से अगर लोकसभा लड़ेंगे तो मैं उनको 21 मानता हूं 18 के मुकाबले, 18 निरहुआ, 21 अखिलेश यादव, इसीलिए मैंने वो दो सीट निकाल कर रखी। डिपेंड ये करेगा कि बहन जी किसको उतारती है और बहन जी कितना वोट काट लेती है, ये आगे की बात है, अभी तक नहीं दिया उन्होंने, इसलिए मैं दलित वोट 2.5 लाख से ऊपर है। मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी की स्थिति में जब बहन जी ने अभी तो वहां अनाउंस नहीं किया है, अभी अखिलेश का भी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी स्थिति सिर्फ इतनी ही है ना कि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है, तो मैं ये संभावना देख के, क्योंकि बहन जी किसको उतार देंगे ये कोई अंदाजा नहीं है। गुड्डू जमाली अगर नहीं गए होते तो हम गुड्डू जमाली को सामने रख के बात करते हो, तब हम कहते कि आजमगढ़ भी अखिलेश हार जाएंगे, लेकिन चूंकि गुड्डू जमाली अब वहां नहीं है सीन में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी देखना बाकी है कि बहन जी किसको लाती हैं, अखिलेश वहां आप जाते हैं कि नहीं। अगर अखिलेश चले गए, बहन जी किसको लाएंगे, इस पर मामला बदल सकता है बाद में, लेकिन अगर अखिलेश और निरहुआ आमने सामने हुए तो निरहुआ 18 होंगे आज की तारीख में इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, और अखिलेश 21 होंगे, इसीलिए वो दो सीट में छोड़ रहा हूं, उनमें से एक सीट मान लीजिए आज। दूसरी कौन सी? मैनपुरी क्या हाल है? दूसरी मैनपुरी दूसरी तो दो सीट मैंने इसीलिए, नहीं तो मैं 80 बोलता। ये तो अगर अगर उधर से भौजी इधर से भैया, तो भैया भौजी की पार्टी बन के रह गई। तो ये बताइए 2014 में क्या हुआ था, कार भर सवार 4 आदमी थे, 4 सीटर कार होती है, मतलब 5 होते हैं तो फुस जाते हैं। अब तो कंफर्टेबली कार में, 5 सीटर कार में कंफर्टेबली कितने लोग बैठते हैं, 2 आगे 2 पीछे, एक चला रहा होता है एक बगल में, 2 आगे। अब तो स्कूटी वाली पार्टी होने जा रही है मुझे लग रहा है इस बार, तो चुनाव चिन्ह के अनुरूप है, चुनाव चिन्ह के अनुरूप है, अब तो बैटरी वाली साइकिल भी आती है। नहीं, साइकिल पर तो तब वो 3 सवारी आ जाती है ना, एक आगे छोटी सवारी, एक पीछे। नहीं, डंडे बैठानी पड़ती है ना, डंडे बैठा। हाँ, डंडे बैठाने डंडे पड़ेगी, पर 3 सवारी फिर भी साइकिल 3 सवारी ले जाती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 सवारी पे साइकिल पे चालान नहीं है ना। हाँ, चालान अब देखिए, चालान तो सर साइकिल को लंगड़ी चलाने में भी नहीं, वो लंगड़ी चलाना जानते हैं ना, बीच में से फ्रेम के बीच में से पैर निकाल के, दर्शक बहुत जानते होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहन जी की राजनीति उनके बिल्कुल चुनाव चिन्ह की तरह है, हाथी मांस, चलती जाती चलती जाती चलती, जब मौका मिलता है तो उठा के पों, फिर चलती जाती चलती जाती, सब प्यारे हैं उनको, नेगेटिव राजनीति नहीं करती। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे दर्शकों को एनलाइटन किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रकाश डाला। इसी तरह सर चर्चाएं होती रहेंगी, आप भी जाइए, दोपहरिया तक लिस्ट आ जाने दीजिए, देखें 25 में क्या क्या है। जब दोपहरिया की लिस्ट आ जाएगी सर, फिर बतियाएंगे हम लोग। ठीक,
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, थैंक यू वेरी मच।